नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग हब। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइन आप देख पा रहे हैं कि फ्लड ऑफ डिस्पेयर मुंबई अवॉइडिंग वोस, यानी जो फ्लड ऑफ डिस्पेयर एंड निराशा का जो बाढ़ है और बाढ़ की जो समस्या है मुंबई में, इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। क्योंकि अभी हाल ही हाल में ये घटना हुई है मुंबई में कि जो एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, पैदल यात्रियों के लिए एक जो पुल था, वो ढह गया, कोलैप्स हो गया। और इसी विषय पे जो मॉनसून में मुंबई में ऐसा होता है कि मॉनसून जब भी आती है मुंबई में तो वहाँ की जिंदगी ठहर जाती है। आज से 10-12 साल पहले भी मुंबई में जो बारिश हुई थी 24 घंटे तक, तो वहाँ पे एकदम नदी की तरह बाढ़ बन गया था, बाढ़ आ गया था पूरा मुंबई में और मुंबई एकदम ठहर गया था। उस पर एक मूवी भी बनी थी, 2000 कुछ मूवी का नाम था, मैं भूल रहा हूँ। तो ये कहने का ये एडिटोरियल में आज हम इसी बात पे बात करेंगे कि जो मुंबई की जो कैपेसिटी है, जो नेचर्स के चैलेंज से डील करने के लिए जो कैपेसिटी एफिशिएंसी है, उन सब चीज़ों में क्या हो रहा है और मुंबई में जो ये सब बाढ़ की समस्या हो रही है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है और क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स वहाँ आ रही है, तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं। हेडिंग मैंने बता दिया, फ्लड ऑफ डिस्पेयर, यानी जो निराशा की बाढ़ है, डिस्पेयर मतलब निराशा होता, और मुंबई फ्लडिंग होस, मुंबई की जो बाढ़ की समस्या है। मुंबई कैपेसिटी टू डील विथ नेचर्स चैलेंज इज फॉलिंग विथ एवरी पासिंग ईयर। मुंबई की जो कैपेसिटी है नेचर्स के चुनौतियों को सामना करने की, वो हर साल के साल दर साल वो घटती जा रही है। मुंबई इज एन एफिशिएंट सिटी इन सम वेज। मुंबई जो अपने आप में एक एफिशिएंट सिटी है किसी मामले में, बट दिस रेपुटेशन डिपेंड्स ऑन फेयर वेदर। लेकिन ये जो रेपुटेशन है उनके फेयर वेदर में, यानी अच्छे मौसम में, उस पर डिपेंड करता ही है। इट टर्न्स इंटू अ सॉगी मेस विद अराइवल ऑफ मानसून। इट टर्न्स इंटू मतलब बदलना, कन्वर्ट हो जाना किसी दूसरे सिचुएशन में, बदल जाना। सिचुएशन जो है वहां पे बदल जाता है, अ सॉगी मेस विद अराइवल ऑफ मानसून। मानसून जैसे ही आता है, मुंबई का जो मुंबई जो है बदल जाती है, एक अनप्लीजेंट वेट एंड सॉफ्ट, यानी गीली क्षेत्र में, गीला क्षेत्र में बदल जाता है। सॉगी मतलब होता है अनप्लीजेंट वेट, यानी बड़ा अजीब परेशान करने वाला गीला स्थान और नर्म स्थान हो जाना। सॉगी वेट मेस प्रॉब्लम, मेस मतलब प्रॉब्लम होता है। तो जैसे ही मानसून आती है, मुंबई जो एक बदल जाता है गीला क्षेत्र में। दिस ईयर द सीजन हैज बिगन विद द स्पेक्टुलर कोलैप्स ऑफ अ पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऑन अ क्रूशियल रेलवे लाइन इन अंधेरी। ये मॉनसून भी अपने साथ में एक बड़ी शानदार घटना लेकर आया था। उसमें क्या था कि जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज होता है, पैदल यात्रियों का ब्रिज, रेलवे का क्रूशियल रेलवे लाइन था वहां पर अंधेरी में एक क्रूशियल रेलवे लाइन में पैदल यात्रियों का ब्रिज ढह गया, कोलैप्स हो गया, कॉजिंग इंजरी एंड ओवरऑल अर्बन पैरालिसिस। और इससे बहुत सारे लोगों को दुर्घटना में घायल हो गए और अर्बन पैरालिसिस हो गए, लोगों को पैरालिसिस हो गए, मतलब कि जो जिंदगी ठहर गई। नॉट इवन अ ईयर हैज पास्ड सिंस द घास्टली स्टैम्पीड ऑन अ फुट ओवर ब्रिज इन एट एलिफेंट्स रोड स्टेशन। देखिए, अगर आपको याद है, न्यूज देखे होंगे, तो कुछ साल पहले वो एलिफेंट्स रोड स्टेशन में एक बहुत विभत्स दुर्घटना, भगदड़ हुई थी पुल में, किसी तरह के रूमर्स के बाद कि कुछ ऐसा रूमर्स आया था कि शायद गिरने वाला है, कुछ ऐसा हुआ था, ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ घटना हुई थी एलिफेंट्स रोड स्टेशन में। फुट ओवर ब्रिज था वहां पे, लोग भगदड़ मची थी और उसमें 20 लोगों की जान गई थी। देखिए, टुक ओवर 20 लोगों की जान उस एलिफेंट्स रोड स्टेशन में, जो फुट ओवर ब्रिज में भगदड़ हुई थी, वो मौत हो गई थी उसमें, ठीक है। The recurrent disaster involving infrastructure are a proof of indifference among policymakers to the city needs. देखिए, ये जो बारंबार होने वाले जो disasters है involving infrastructure, और ये जितने भी disaster है infrastructure से related है, हो रहे हैं, involve है, ये proof है, एक सबूत है कि उदासीनता का, लापरवाही का, policymakers का, city की need के अनुसार जो काम नहीं करते हैं, उनके लापरवाही उदासीनता का उदाहरण है। इवन एज दे स्पीक ऑफ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इवन एज मतलब जबकि वो जो अपने आप को ग्लोबल स्टैंडर्ड का
बोलते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का काम करते हैं, वो उनके इस दावे के बावजूद इतनी सारी घटनाएं हो रही है। इट इज फेयर टू आस्क वेदर मुंबई इज प्रिपेयर्ड, ये इट इज फेयर टू आस्क मतलब ये एक फेयर है कि पूछना कि मुंबई तैयार है कि नहीं, आफ्टर द पैसेज ऑफ अ डजन ईयर्स टू मीट अ डिजास्टर सच एज जुलाई 2005। देखिए क्या हुआ था कि इट इज फेयर टू आस्क वेदर मुंबई इज प्रिपेयर्ड और नॉट, ये काफी फेयर है क्वेश्चन जो काफी जेन्युइन है कि पूछना कि मुंबई रेडी है कि नहीं, तैयार है कि नहीं। आफ्टर द पैसेज ऑफ डजन ईयर्स 12 सालों के पास होने के बाद भी, बीत जाने के बाद भी, कि टू मीट अ डिजास्टर, इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं, मुसीबत होते हैं, उनसे पार पाने के लिए मुंबई तैयार है कि नहीं। कौन से डिजास्टर सच एज एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, 2005 में जो फ्लड आया था, फ्लडिंग जो मैंने बताया कि आज से 10-12 साल पहले जो फ्लड आया था 2005 में, कॉज्ड बाय 99.54 सेंटीमीटर ऑफ रेन। 99.4 सेंटीमीटर ऑफ रेन हुआ था वहां पे उसमें 24 घंटे तक। उसके बाद मुंबई में जो बाढ़ आई आई थी, उस तरह के डिजास्टर से लड़ने के लिए मुंबई तैयार है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछना फेयर है। फेयर मतलब आप समझ रहे हैं ना कि फेयर है, मतलब फेयर क्वेश्चन। द सिटी कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, ये जो सिटी है बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए, अपने जॉब के लिए वो यहाँ आते हैं बहुत सारे नंबर नंबर में। द पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 11.9 मिलियन टू 2001 टू 18.94 मिलियन अ डिकेड लेटर, 10 को बाद यहाँ की जो जनसंख्या 11.9 से अब हो चुकी है 18.9 मिलियन। बट अर्बन मैनेजर जो, बट जो शहरी विकास करता है मैनेजर मैनेजर है, लेड बाय बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो नेतृत्व करता है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको लीड करते हैं, हैव नॉट इन्वेस्टेड एनफ इन अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, एंड हैव डन अ शॉडी जॉब ऑफ मेंटेनिंग द ओल्ड, और जो पुराने चीजों को भी मेंटेन करने में उन्होंने निकम्मा तुच्छ काम किया है, मतलब बेकार काम किया है। इफ महाराष्ट्र हैज टू अचीव हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर महाराष्ट्र को हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है, अचीव करना है, एंड टच एन एम्बिशियस 10% और 10% की वृद्धि दर को हासिल करना है, एज चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस डिजायर्स, जैसा कि वहाँ के सीएम उनकी इच्छा है, डिजायर है, उनकी इच्छा है, मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग शुड बी इन द हैंड्स ऑफ एम्पावर्ड कस्टोडियन, अगर ऐसा चाहते हैं वो तो मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है वो हैंड ओवर करना चाहिए एम्पावर्ड कस्टोडियन को, जो सशक्त कस्टोडियन है। हु कैन सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ ऑल अर्बन एजेंसी, जो कि सिक्योर कर सकते हैं, जो कि सिक्योर कर सकते हैं जितने भी सिक्योर कर सकते हैं कॉपरेशन का, जितने भी अर्बन एजेंसी सबके कॉपरेशन इन सहयोग को सिक्योर कर सकते हैं। अ रिटर्न टू नेचर इज नीडेड टू रिलीफ मुंबई ऑफ इट्स फ्लडिंग वोज, अ रिटर्न टू नेचर मतलब नेचर से, प्रकृति से जुड़ाव जरूरत है टू रिलीफ मुंबई ऑफ इट्स फ्लडिंग वोज, अगर आप मुंबई के जो फ्लडिंग चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या चिंता है, उनको राहत देना चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रिटर्न टू नेचर जरूरत है, यानी नेचर से जुड़ाव और नेचर की ओर लौटना ये एक समय की मांग है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट्स, एक आकलन के मुताबिक, द सिटीज मिठी रिवर ब्लॉक्ड बाय डेबरीज एंड गार्बेज, देख लीजिए एक आकलन के मुताबिक जो वहाँ की मिठी रिवर है मुंबई की, वो ब्लॉक्ड है, जाम हो चुकी है वहाँ पे कचड़े से, मलबा और कचरा से, हैज लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ इट्स कैचमेंट टू डेवलपमेंट, और जो अपना कैचमेंट मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड, जो नदी का जो लैंड, नदी है मिठी रिवर, उसका जो लैंड का एरिया था, उसकी चौड़ाई थी, वो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट के बोलते हैं ना कि विकास की शिकार हो गई, वही हुआ है उनका, अपना जो क्षेत्र था उस नदी का, उसका 60% क्षेत्र वो खो चुकी है, अपना डेवलपमेंट का शिकार हो चुकी है, विकास के भेंट चढ़ चुकी है। द सेटिंग अप ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी कमेटी हैज नॉट हेल्प मच,
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी सेटअप किया था, गठन किया था मॉनिटर मॉनिटर करने के लिए, वो भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाया। इससे भी कोई मदद नहीं हुई। इट विल टेक रिजोल्यूट मेजर्स टू स्टॉप द रिलीज ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स इनटू मिट्टी। और देखिए, ये एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। इट विल टेक, दृढ़ संकल्प की जरूरत होगी, जिससे कि रिलीज ऑफ सीवेज होगा, सीवेज का जो पानी है, सीवेज है नालियों का, और इंडस्ट्रियल केमिकल्स वो मिट्टी रिवर में नहीं जाए, ये स्टॉप करना होगा, ये दृढ़ संकल्प लेना होगा। एंड रिलीव लॉस्ट मैंग्रोव, और रिट्रीव लॉस्ट मैंग्रोव। और जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव आपको पता है, मैंग्रोव वन एक वहाँ पे भी है बंगाल में भी, तो मैंग्रोव जो है उनको रिट्रीव करना होगा, उनकी जो खोई हुई चमक है। अ क्लीनर रिवर कनेक्टेड टू फंक्शनल ड्रेनेज कैन एड। देखिए, अ क्लीनर रिवर इन साफ सुथरी नदी कनेक्टेड टू फंक्शनल ड्रेनेज, और फंक्शनल ड्रेनेज सिस्टम, निकासी सिस्टम जो नालियों का होता है, कैन एड, एड मतलब सहायता, मदद कर सकता है इन द स्पीडी रिमूवल ऑफ फ्लड वाटर। जो पानी का फ्लड वाटर है, पानी का बाढ़ का जो पानी है, उसको रिमूवल करने में, निकालने में स्पीडी तौर पे सहायता कर सकता है एक फंक्शनल ड्रेनेज सिस्टम, और वो कनेक्टेड विद द रिवर, जो रिवर से कनेक्टेड हो फंक्शनल तरीके से। एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और जिससे कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण को और इम्प्रूव कर सकता है। येट देयर आर बेसिक चैलेंजेस, इसके बावजूद भी अभी तक जो कुछ मूलभूत चुनौतियां हैं, विच आर पर्टिकुलरली वरीसम, जो कि चिंताजनक है, टू लेस एफ्लुएंट रेसिडेंट्स, किसके लिए, जो धनी संपन्न नहीं है, जो एकदम गरीब तबके के हैं, उनके लिए, वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए बहुत बड़ी मूलभूत सुविधाओं से चिंताजनक बात है। क्या है वो? इन 2015 स्टडी, 2015 के स्टडी के अनुसार, द वर्ल्ड बैंक फाउंड दैट हाफ ऑफ द पुअर डिड नॉट कंसिडर मूविंग आउट ऑफ द फ्लड प्रोन एरिया। जो वहाँ के, जो वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट है 2015 का, जो जिस एरिया में फ्लड प्रोन एरिया होती है, जो फ्लड से फ्लड से फ्लड प्रभावित एरिया, फ्लड प्रोन एरिया जो है, वहाँ पे जो बाढ़ प्रभावित एरिया, वहाँ से मूविंग आउट यानी बाहर नहीं जाना चाहते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। क्यों नहीं जाना चाहते? बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द लिविंग इन द न्यू प्लेस, क्योंकि अनिश्चितता है कि वह कहाँ जाएंगे, तो जीवन यापन कैसे उनका गुजरेगा। विद द सेवर सोशल डिसरप्शन, बहुत ही गंभीर सामाजिक व्यवधानों के वजह से वो बाहर नहीं जाते। अब वो सामाजिक व्यवधान आपको पता ही है, बाहर जाके जब दूसरे जगह जाएंगे तो रोजी रोजगार की समस्या होगी उनकी। एंड रिड्यूस्ड एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, उसके बाद उनके लिए एजुकेशन, शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटीज में भी उनको प्रॉब्लम आएगी नए जगह में। व्हाट दिस अंडरस्कोर्स, मतलब देखिए, अंडरस्कोर मतलब अंडरलाइन करना, मतलब ये पॉइंट को रेखांकित करता है। व्हाट दिस अंडरस्कोर इज द नीड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल स्पेस, और ये रेखांकित करता है कि आपके पास जो भी अवेलेबल स्पेस है उसी का बेस्ट यूज कीजिए। डेंसिफाइड डेवलपमेंट वेयर फिजिबल एंड इम्प्रूव कंडीशन इन सीटू, डेंसिफाइड डेवलपमेंट यानी डेंसिफाई डेवलपमेंट को और तीव्र कीजिए, डेंसिफाई कीजिए, बट वेयर फिजिबल, जहाँ फिजिबल हो, फिजिबल का मतलब होता है जहाँ पे करने लायक हो डेवलपमेंट वहीं कीजिए। ये नहीं कि नदी के ऊपर घर बना दीजिए, फ्लैट्स बना दीजिए, जहाँ फिजिबिलिटी होगी वहीं पे कीजिए डेवलपमेंट, और इम्प्रूव कीजिए कंडीशन इन सीटू, और इन सीटू मतलब जो इन सीटू मतलब जो ओरिजिनल प्लेस है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कीजिए। इट इज़ वेलकम दैट अ जॉइंट सेफ्टी ऑडिट विद द IIT विल बी कंडक्टेड ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक स्वागत योग्य कदम है कि जॉइंट सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा IIT के साथ में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इन द वेक ऑफ द ब्रिज कोलैप्स। इन द वेक मतलब ब्रिज कोलैप्स के बाद जागने के क्रम में ये अब ऑडिट किया जाएगा पब्लिक सेफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। बट सच इंस्पेक्शन मस्ट बी रेगुलरली कैरीड आउट, बट इस तरह के जो इंस्पेक्शन है वो रेगुलरली कैरीड आउट होना चाहिए, हमेशा होते रहना चाहिए। एंड क्विक रिमाइंडर स्टेप्स टेकन, और इसके लिए तुरंत
रिमाइडल स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे कि रिमाइडल स्टेप्स मतलब सुधार करने योग उसको उपचारात्मक जो स्टेप्स है तुरंत लेने चाहिए इंस्पेक्शन करने के बाद। तो दोस्तों ये रहा मुंबई का, मुंबई से रिलेटेड एक एडिटोरियल जो बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। ये एक एडिटोरियल जो पुराना है, छूट गया था एक या दो दिन पहले का है। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइए और अच्छा लगा हो तो लाइक करके भी बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।